आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश के छठवें और प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान कल। 8 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जुटे, सभाएं और रोड शो जारी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर किए गए विशेष इंतजाम। और आईपीएल क्रिकेट टी20 के फाइनल मैच में कल मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के छठे चरण के चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार में 8-8, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सभी 7 और झारखंड की 4 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 4,75,00,000 महिलाओं सहित करीब 10,17,00,000 मतदाता 989 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। छठे चरण के मतदान के लिए 1,13,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 12 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव ने मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपना मतदान अवश्य करने की अपील की है। इन 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 64 विधानसभा सेगमेंट हैं और ये 16 जिलों में फैले हुए हैं। कल के मतदान में 1,44,00,000 मतदाता हैं, जिनके लिए हमने 18,141 मतदान केंद्रों को तैयार किया है और इन सभी 18,000 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल आज सुबह अपने अपने जिला मुख्यालय से रवाना होकर मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। कल सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस चरण में होने वाले मतदान के लिए 4,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्र बना गया है। मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की गई है। इस चरण में 469 मतदान केंद्र पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा ही संचालित किए जाएंगे, जबकि 48 मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। कल होने वाले मतदान के लिए आज मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए राजगढ़ संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली आगरमालवा जिले की सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के 2,19,097 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसमें 1,00,000 से ज्यादा पुरुष और लगभग इतनी ही महिला मतदाता शामिल हैं। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में 307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 15 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसमें सभी कर्मचारी महिलाएं रहेंगी। वहीं कल विदिशा संसदीय क्षेत्र के सागर और विदिशा में होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के लिए विदिशा जिले में 22 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। विदिशा संसदीय में होने वाले मतदान के लिए 1,321 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस चरण में प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम और मंदसौर लोकसभा क्षेत्रों में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिए कल इन क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज खरगोन में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों के जंगल जमीन दोनों छीन लिए हैं,
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान में सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। श्री गांधी कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद मुजाल्दे के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने धार जिले के अमझेरा में आमसभा को संबोधित करते हुए रफाल, नोटबंदी, जीएसटी सहित अनेक मुद्दों पर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की आलोचना की। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गिरवाल को भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं शाजापुर जिले के शुजालपुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद टिपाणिया के समर्थन में आयोजित आमसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा दिया है। श्री मोदी अब अच्छे दिनों की बात नहीं करते हैं। श्री गांधी ने कहा कि हमने किसानों से कर्ज माफी का वादा दो दिन में पूरा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंदौर और खंडवा के छैगांव माखन में रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 13 मई को रतलाम झाबुआ सीट से भाजपा प्रत्याशी गुमान सिंह डामोर और मंदसौर प्रत्याशी सुधीर गुप्ता और उज्जैन प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के समर्थन में रतलाम में रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 15 मई को धार महू संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी छतर सिंह दरबार के समर्थन में जिले के मनावर में आमसभा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा 13 मई को रतलाम और इंदौर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 14 मई को खंडवा में जनसभा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। विदिशा जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें विशेष छूट देते हुए तीन पहिया वाहन सीधे मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति दी जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं को बिना कतार में लगे सीधे मतदान करने की अनुमति होगी। उधर शिवपुरी जिले में भी दिव्यांग वृद्ध और गर्भवती महिला मतदाताओं की सहायता के लिए दिव्यांग मित्र नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रह पी ने बताया है कि ऐसे मतदाताओं के लिए अलग से सुगम्य पास जारी किए गए हैं। ग्वालियर में दो ट्रकों के बीच वैन के कुचल जाने से एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में दो लड़कियां भी शामिल हैं, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये घटना देर रात हुई, जब पीड़ित लोग मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से डबरा शहर जा रहे थे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं आगरमालवा जिले में सुसनेर थाना अंतर्गत कोटा मार्ग पर आज एक बाइक और जीप की भिड़ंत में बाइक सवार एक महिला सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कड़ी निंदा की है। श्री सिद्धू द्वारा इंदौर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इससे उनकी स्त्री विरोधी मानसिकता का पता चलता है। श्रीमती शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि श्री सिद्धू की टिप्पणी घोर निंदनीय है। एक तरफ भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल कर रही, जबकि श्री सिद्धू उनको केवल स्त्री विरोधी चश्मे से देखते हैं। आईपीएल क्रिकेट टी20 में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कल हैदराबाद में मुंबई इंडियंस के साथ होगा। इसके पहले कल रात दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में हाईवे से रेत का परिवहन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीहोर जिले में कल होने वाले मतदान में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह गांव बुधनी तहसील के जैत गांव में मतदान करेंगे। वहीं विदिशा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव बुधनी तहसील स्थित अपने गृहनगर शाहगंज में और कांग्रेस के प्रत्याशी शैलेन्द्र पटेल इछावड़ तहसील स्थित ग्राम आमला रामजीपुरा में मतदान करेंगे। सिंगरौली जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनसे चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के छठवें और प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान कल 8 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जुटे, सभाएं और रोड शो जारी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर किए गए विशेष इंतजाम। और आईपीएल क्रिकेट टी20 के फाइनल मैच में कल मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।